नमस्कार दोस्तों, मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल माई सिंपल होम गार्डन पर। जैसा कि आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये मेरे एडेनियम के प्लांट्स हैं। कुछ ही दिन पहले जो है मैंने इसका शॉपिंग हॉल मैंने आपसे शेयर किया था, मैंने इसे जो है ऑनलाइन परचेस किया था। ये 180 के ये एडेनियम के प्लांट्स थे, तो इन्हें जो है मैं रिपोर्ट करना ही जैसे फ्रेंड्स भूल गई। इस पर मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा और मैं सोचती रही कि मैं इसे रिपोर्ट करती हूँ। और हमारे यहाँ जो है बिल्कुल भी मतलब धूप नहीं निकल रही थी, इतनी ज़्यादा जो है बारिशें हो रही थी, तो बारिश के कारण भी जो है मैंने इनको एक साइड में रख दिया था। देखिए फ्रेंड्स, इसे बिल्कुल भी मेरा ध्यान नहीं गया इस प्लांट ऊपर, तो एक जो है एडेनियम का प्लांट मेरा पूरी तरह से जो है बर्बाद हो गया। देखिए इस तरह से जो है ख़राब हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका कोडेक्स पूरी तरह से जो है ये इस तरह से हो गया है, ये पूरा ही जो प्लांट है मेरा डेड हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है मुझे मतलब दुख हुआ मैंने जब इसे देखा। देखिए इस तरह के कोकोपीट में ये लगा था, ये ज़्यादा पानी के कारण मतलब ये मॉइस्चर और ये फंगस के कारण जो है ये ख़राब हो गया। देखिए दूसरा, ये जो है इसकी सारी पत्तियाँ जो है झड़ चुकी है। अब इन्हें जो है रिपोर्टिंग की ज़रूरत है, मुझे तुरंत ही रिपोर्ट करना था, पर उस टाइम जो है मेरे पास में एक दो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि वुड चारकोल है और भी जैसे ब्रिक्स के पार्टिकल्स है, क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण जो ये सारी चीज़ें मैं अरेंज नहीं कर पा रही थी। तो मुझे जैसे जिस पॉटिंग सॉइल में लगाना था वो मेरे पास में अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। तो अभी फ्रेंड्स मेरे पास में जो है ये सारी चीज़ें मैंने अवेलेबल कर ली हूँ, क्योंकि अभी पानी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी 3-4 दिन से जो है हमारे यहाँ बारिशें नहीं हो रही। एडेनियम के लिए किस तरह की पॉटिंग सॉइल को तैयार करना चाहिए, जो बेस पॉटिंग सॉइल है जिस तरह की सॉइल में मैं लगाती हूँ सक्कुलेंट और कैक्टस, वही मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए, तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने वुड चारकोल ले लिया है। ये वुड का है, जो लकड़ी का जो कोयला होता है वो है, और ये भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है हमारे कैक्टस और सकुलेंट वाली जो पॉटिंग सॉइल होती है उसमें। और ये जो है प्यूरिफिकेशन का काम करता है, और जो हमारे पूरे जो पॉट की जो एंटायर जो सॉइल होती है उसे जो है ये लाइट वेट बनाता है, हमारे पॉट को जो है लाइट वेट भी रखता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है। वन पार्ट मैंने यहाँ पर जो है रेड ब्रिक पार्टिकल्स ले लिए, देखिए छोटे छोटे जो है ईंटों के मैंने टुकड़े कर लिए हैं, और ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ड्रेनेज में। ये हमारे जो सॉइल को है वेल ड्रेन बनाते हैं। जैसे कि हमने रेत ले ली है तो इसको भी हम मिला देते तो हमारी जो सॉइल होती है काफ़ी वेल ड्रेन हो जाती है, और बहुत ही बढ़िया जो है ये इंग्रेडिएंट होता है। इसे भी जो है कैक्टस और सकुलेंट वाले सॉइल में ज़रूर ऐड करना चाहिए। वन पार्ट जो है मैंने इसमें गार्डन की सॉइल ले ली है, सॉइल की मात्रा जो है मैंने काफ़ी कम रखी है इसमें। और देखिए फ्रेंड्स, टू पार्ट जो है मैंने सैंड ली है, ये रिवर सैंड है, जो हमारी कंस्ट्रक्शन की जो रेत होती है वो है, उसको जो है मैंने दो पार्ट ले लिया है। वन पार्ट जो है इसमें मैंने वर्मी कम्पोस्ट, ये देखिए वर्मी कम्पोस्ट या फिर यहाँ पर आप काउडंग भी ले सकते हो, और एक पार्ट जो है मैंने यहाँ पर जो गार्डन की सॉइल है उनको ले लिया है। इसमें आपके पास में कोई भी फंजीसाइड पाउडर जैसे कि साफ का हो, ये ट्राइकोडर्मा है, मैंने इसमें जो है 2 चम्मच जो है ट्राइकोडर्मा का डाल दिया है। कोई भी फंजीसाइड पाउडर जो है आप इसमें मिला दीजिए। देखिए इस तरह से जो है सारे जो इंग्रेडिएंट्स है सबको जो है हम इकट्ठा करके इस तरह से ये बेस्ट जो एडेनियम की पॉटिंग सॉइल है हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये काफ़ी अच्छी पॉटिंग सॉइल है, इसमें जो है बिल्कुल भी जो पानी है रुकेगा नहीं, जल्दी से जो है ड्रेन आउट हो जाएगा, जो हमारी एडेनियम का जो प्लांट है काफ़ी अच्छे से जो है इसमें ग्रो करेगा बिल्कुल में जो है। इसमें रूट रॉट भी नहीं होगा, पानी भी इसमें रुकेगा नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे जो है मैंने 8-8 इंची के जो है पॉट ले ली है। एडेनियम के पॉट थोड़े से फ्लैट होते हैं, वो मेरे पास में अभी अवेलेबल नहीं थे, तो मैं इस डीप वाले पॉट में ही जैसे मैं लगा रही हूँ 8 इंची वाले पॉट में, तो इसके ड्रेनेज होल को जो है मैंने ठिकरे से बंद कर दिया। थोड़े जो है इसमें मैं मोटे वाले जो पार्टिकल्स है उनको जो है मैं नीचे डाल दूँगी सभी पॉट में। इस सॉइल मिक्स में जो है मैंने 2 पार्ट जो है मतलब सैंड रखी, बाकी सब जो मैंने लिए हैं सबको 1-1 पार्ट लिया है। तो इस तरह से जो है स्पॉटिंग सॉइल को तैयार कर लेना है। देखिए इस तरह से हमें भरते जाना है, जो पॉट है हमें पूरा ऊपर तक भरना है, मतलब जो हम मतलब जब भी एडेनियम प्लांट की जो रिपोर्टिंग करते हैं तो उसको बड़े ध्यान से हमें करना है, पूरा ही जो है हमें एडेनियम के प्लांट को जो है पूरा नीचे तक नहीं दबाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखना किस तरह से रिपोर्ट करते। तो देखिए इस वाले प्लांट्स को जो है मैं निकालूंगी। देखिए इसके रूट्स कितने बढ़िया से जो है मतलब बढ़ चुके हैं, और कोडेक्स आप देख सकते हो, ये प्लांट जो है अभी भी काफ़ी हेल्दी है। तो इसके जो जड़े हैं फ्रेंड्स, उसी को जो है हमें मिट्टी के अंदर जो है दबाना है, जो हमने सॉइल मिक्स तैयार किया है उसी को, जो कोडेक्स है उसे बिल्कुल भी जो है हमें कवर नहीं करना है, उसे हमें ऊपर की तरफ ही रखना है।
जो उसके रूट्स आपको दिख रहे हैं उन्हीं को बस हमें नीचे मिट्टी के अंदर जो है दबा देना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इसे हल्का हल्का जो है प्रेस कर देंगे और इस तरह से सारे जो एडेनियम है उनको हम इसी तरह से रिपोर्ट करेंगे। और एडेनियम को जो है इसी तरह से रिपोर्ट किया जाता है, इसका जो कोडेक्स है पूरी तरह से हमें जो है मिट्टी में दबाना नहीं है। देखिए जिस जो रूट्स होते हैं, जो उसकी जड़ें होती है उन्हीं को जो है अंदर हमें दबाना होता है। और देखिए इस तरह से हमें सारे जो एडेनियम के प्लांट्स होते हैं उनको इसी तरह से जो है रिपोर्ट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने कर दिया तो दूसरा वाला देखिए इसी तरह से जो है मैं दूसरे को भी रिपोर्ट कर दूँगी। तो मिट्टी जो है हमें ऊपर तक भर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सेकंड ये दूसरा वाला भी जैसे निकाल के दिखाती हूँ। तो ये वाले जो प्लांट होते ही जो ऑनलाइन भेजते हैं तो ये कोकोपीट में लगा के भेजते हैं, देखिए फ्रेंड्स इस तरह से। और इसमें जो है थर्माकोल के जो है बॉल्स भी हैं। तो ये भी प्लांट जो है काफ़ी हेल्दी है, इसकी जड़ें आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया है, कोडेक्स भी बहुत ही बढ़िया है, कोडेक्स को भी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो देखा फ्रेंड, इस तरह से जो है मैं दूसरे वाले को भी जो है इसी तरह से मैं रिपोर्ट कर दूंगी। तो इसके जड़ें हैं बस उन्हीं को जो है हमें नीचे दबाना है मिट्टी के अंदर, सॉइल मिक्स के अंदर। और जो कोडेक्स है, हमें कोडेक्स वाला जो भाग होता है उसे हमें ऊपर की तरफ रखना है, देखिए इस तरह से। तो सभी जो है मैंने एडेनियम को इसी तरह से जो है रिपोर्ट मैंने कर दिया, आप देख सकते हो फ्रेंड्स इस तरह से हमें रिपोर्ट करना है। फर्स्ट टाइम जब भी हम वाटरिंग करेंगे तो फुल वाटरिंग करेंगे, मतलब जो पानी हमारा नीचे जो हमारे पॉट से है ड्रेन आउट हो जाए, नीचे से निकल जाए, इतना जो है हमें पानी दे देना है। नेक्स्ट टाइम जब हम वाटरिंग करेंगे तो पहले हम मिट्टी को चेक कर लेंगे, 1 से 2 इंच तक अगर ड्राई लगे तभी हम वाटरिंग करेंगे। और जो एडेनियम के प्लांट होते हैं इसमें जो है हमें हफ्ते में जो है 1 या 2 बार ही हमें पानी देना होता है, हमें डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमने पॉटिंग सॉइल इसके लिए तैयार करी है ये बेस्ट पॉटिंग सॉइल है, इसमें जो है पानी बिल्कुल भी जो है खड़ा नहीं रहेगा, झट से जो है ड्रेन आउट हो जाएगा। तो इस तरह की अगर आप पॉटिंग सॉइल में एडेनियम को अगर रिपोर्ट करते तो आपका जो एडेनियम का प्लांट है काफ़ी अच्छे से जो है ग्रो करेगा, बिल्कुल भी जो है इसमें रूट रॉट की जो है प्रॉब्लम नहीं होगी, काफ़ी अच्छे से जो है इसमें फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। बाय फ्रेंड, टेक केयर।